Hi friends, welcome to my channel Satish Civil Drawings. How to remove rust from structural steel. Hi friends, आज आपको मैं बता रहा हूँ structural steel में जो भी rust रहता है ना उसको कैसे आसान से निकालना. आपको दिखा रहा हूँ, ये व्हील पॉलिश व्हील बोलते हैं, एसएस में यूज़ करते हैं, एमएस में भी यूज़ करते हैं. ये पॉलिश व्हील ले लीजिए, आप लेने के बाद आपके पास जो भी ग्राइंडिंग मशीन है, AG4 होने दीजिए, AG5 होने दीजिए, उसमें आपका जो सेटिंग होता है वो ब्लेड लगवा दीजिए, AG4 का, AG5 का. उसको लगवाने के बाद कैसे शुरू करना मैंने बताने जा रहा हूँ. देखिए, हम लगाने के बाद देखिए कैसे अच्छे से हमने स्ट्रक्चरल स्टील में कैसे रस्ट होगा, होने आने के बाद मटेरियल कैसे वेदर कंडीशन में रस्ट पकड़ लेते, उसको कैसे हम निकाल दे रहे हैं उसका आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ. देखिए, अभी देखिए मैंने ऐसे बफिंग मार के जा रहा हूँ, वो रस्ट निकल जा रहा है. उसके बाद उसमें एक बार कपड़ा से पोंछने के बाद और एक बार आप मार के जाइए, उसके ऊपर जो भी रस्ट रहना दीजिए, जंग पूरा निकल जाएगा. उसके बाद आप प्राइमर होना, प्राइमर अप्लाई कीजिए, उसके बाद पेंट अप्लाई कीजिए, आपको कास्ट भी कम हो जाएगा. साइट पे हमने ऐसे यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे यूज़ कीजिए, जल्दी आपका काम भी जल्दी हो जाएगा. खाली उसका ब्लेड होता है 30 रुपये से 40 रुपये के बीच में होता है वो ब्लेड लेने का, वो व्हील लेने का. लेने के बाद हम कैसे पॉलिश करवा रहे हम देखिए, उसका रेस्ट पूरा निकल जाएगा. सेफ्टी से आपका लड़का लोग को लगवा दीजिए, उसमें गोगल्स नोज मास्क लगा के आराम से आप ऐसे मशीन में ब्लेड लगा के, नया मशीन में नया व्हील लगा के आप ऐसे शुरू कीजिए, उसका जंग पूरा निकल जाएगा, आपका काम भी आसान है. कोई भी क्लाइंट भी कोई मना नहीं करेगा, आपको काम करने के समय कोई दिक्कत नहीं करेगा. देखिए हमारा कैसे शाइनिंग दिखा रहे हैं. हम पहुँचने के बाद एक बार मारने के बाद फिर भी थोड़ा सा रहेगा, तो और एक बार मार के देखिए पूरा शाइनिंग आ जाता है. उसके बाद